हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कैसी रही सभी की दिवाली? सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना? बहुत सारे पटाखे फोड़े होंगे। ओके, सभी ने एंजॉय किया ना? टूर भी करके आए होंगे कितने लोग, उसमें से घूमने भी गए होंगे, है ना? सभी ने बहुत अच्छे से दिवाली एंजॉय की होगी, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आई होप। ओके, सभी अच्छे से खुश और हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, है ना? इसी आशा के साथ सबको बेस्ट विशेज है फॉर न्यू ईयर्स। ओके, हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, न्यू टर्म स्टार्ट हो गया है, सेकंड टर्म, है ना? तो सेकंड टर्म हम लेसन चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स। ओके, आई एम मिसेस सुनीता शर्मा, योर मैथ्स टीचर। ओके, है ना, सभी को याद आ गया होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको मैथ स्टार्ट करना है। मैपिंग योर वे। ओके, अशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन टू हर स्कूल। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट एट द इंडिया गेट इज द इंडिया गेट। This way built in memory of the Indian soldiers who died in the First World War. Okay, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? हम यहाँ बात करेंगे इंडिया गेट। ठीक है, जो अशी देखने के लिए गई है इंडिया गेट, रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए, इंडिया गेट पर रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? यू ऑल नो अबाउट इट ना, कि हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ओके, 26 जनवरी जो है, उस दिन आप लोगों ने अगर टीवी में देखा हो तो रिपब्लिक डे की बहुत अच्छे से परेड होती है। ऑल परेड्स होती है, स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो डांस वगैरह करते हैं, स्टेट वाइज अलग अलग झांकियां निकलती है, देन बहुत सारे जो इतनी भी सोल्जर्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप के जो सोल्जर्स होते हैं वो परेड करते हैं। सारे वेपन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारी आर्मी के पास है, वो वेपन्स का शो ऑफ होता है। देन लास्ट में एरोप्लेन के थ्रू हमारा फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग है जो, उसके थ्रू फ्लावर्स का बरसाए जाते हैं, बलून्स होते हैं। ओके, तो इस टाइप से रिपब्लिक डे इंडिया गेट पर जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। ओके, ये हमने पढ़ा कि इंडिया गेट पर क्या चीज़ है ना? वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो भी इंडियन सोल्जर्स थे जो डाइड हुए थे उनके मेमोरी में बनाया हुआ था और उस पर उन सोल्जर्स के नेम लिखे हुए हैं। अंडरस्टैंड, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ राजपथ, द मेन रोड अलोंग विद द परेड पासेस, चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड देम। ओके, यहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ये फिगर देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये इंडिया गेट दिखाई दे रहा है ना? बच्चे यहाँ पर जो साइड का उसका पोर्शन है वहाँ पर घूम रहे हैं, और आजू बाजू जितना भी एरिया है वहाँ पर क्या क्या दिख रहा है उनको, यहाँ पर हम वो लोग क्या बात कर रहे हैं वो देखते हैं। सर, टोल्ड अस द राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट, सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन आर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। ओके, लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट, है ना? यहाँ पर ये जो है वो इंडिया गेट है। कौन सा? ये वाला, है ना? ये यहाँ पर इंडिया गेट बताया हुआ है, और वो जो बच्चा बोल रहा है सर से कि यहाँ पर इसके जस्ट सामने जो है राइट साइड में राष्ट्रपति भवन है। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे इस पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, यू कैन सी राजपथ, द रोड विच जॉइन इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, मार्क वेयर द राजपथ विल अदिति बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब ये इतना पिक्चर है, अगर आपको हम बताएं यहाँ पर ये फुल पिक्चर है, ये पिक्चर लिया हुआ है हेलीकॉप्टर के थ्रू और ये मैप ड्रॉ किया हुआ है ना? यहाँ पर हमको लिखा हुआ दिख रहा है, ये मैप
मैप वन। ओके, तो यहाँ पर ये जितना भी ये यहाँ पर ये है इंडिया गेट और यहाँ पर है ये राष्ट्रपति भवन। ओके, सो यहाँ पर से ये जो पूरा जो ये इतना बड़ा रोड है ये पूरा क्या है, राजपथ। अंडरस्टैंड, राजपथ के थ्रू अलग यहाँ पर अलग अलग ये रोड्स दिखाए हुए हैं। ये सारे रोड हम इस मैप में देखेंगे कि मैप में कौन कौन से रोड गिवन है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप, आपको दिखेगा राष्ट्रपति भवन है, सबसे पहले वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, उसके बाद विजय चौक आता है। ओके, तो विजय चौक के लिए हमको ये यहाँ पर रोड आया, जो फर्स्ट यहाँ पर रोड दिखाई दे रहा है हमको, ये होगा विजय चौक। ओके, उसके बाद है रफी मार्ग, रफी मार्ग सेकंड रोड जो दिख रहा है आपको, इसमें से हो जाएगा आपका रफी मार्ग यहाँ पर। ओके, देन रफी मार्ग के बाद आपको दिख रहा है जनपथ। अंडरस्टैंड, तो ये जो रोड दिख रहा है आपको वो हो जाएगा जनपथ, ये वाला स्ट्रेट रोड जो है वो है जनपथ। देन हमको यहाँ पर देखना है मानसिंह रोड। अंडरस्टैंड, तो ये जो हमारा इंडिया गेट बना हुआ है उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रेट रोड आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैप में, ये है मानसिंह रोड। अंडरस्टैंड, देन हमने ये देखा यहाँ पर, अब इसको अगर हम जूम करें तो ये कलर हुआ हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला सेम स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये वाला हमको जो मिला स्ट्रक्चर वो सेम स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड, सो यहाँ पर हम आगे इस मैप को देखकर क्वेश्चंस रीड कर लेंगे कि क्या क्वेश्चंस हमको गिवन है। मैच द मैप एंड द फोटो। ओके, फर्स्ट हमको मैच करना है। हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, किसी सिटी का आपने मैप देखा है? लुक एट मैप वन। ओके, तो यहाँ पर हमको मैच करना है, ठीक है। अब मैच करने में हम यहाँ पर देखेंगे, यह हम पहले पुराना वाला जो है वो ठीक है। अब यहाँ पर देखो राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भवन है। ओके, तो यहाँ पर हम इस टाइप से ये मैच कर लेंगे राष्ट्रपति भवन। ओके, देन हमको मिला है विजय चौक, तो ये यहाँ से है ये विजय चौक, ठीक है। देन हमको मिला है रफी मार्ग, तो दिस इज आर रफी मार्ग। ओके, देन हमको मिला है जनपथ, सॉरी यहाँ पर ये जो है रफी मार्ग ये नहीं, यहाँ पर से ये रफी मार्ग होगा आपका, और देन दिस इस फॉल्स हुआ है ये हमारा, तो ये हमारा लाइन जाएगा यहाँ पर, किधर जाएगा ये वाला लाइन, मैच करना है हमको, हमको कौन सा मिल रहा है जनपद, सो हम इसको मैच करेंगे जनपद से। ओके, देन है मानसिंह रोड। ओके, तो यहाँ पर ये जो रोड जा रहा है ये हुआ हमारा मानसिंह रोड। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है बीच में, देखिए ये बीच में जो सर्कल बना हुआ है दिस, ओके दिस सर्कल इज, दिस इज इंडिया गेट। ओके, तो यहाँ पर हम इंडिया गेट को ये सर्कल कर सकते हैं। देन इंडिया गेट के बाद यहाँ पर ये जो बीच में सेंटर बना हुआ है दिस इज ये वाला पोर्शन है। ओके, देन यहाँ पर ये जो रोड्स बने हुए हैं, यहाँ पर आपका ये रोड अगर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो है वो है ये नेशनल स्टेडियम। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर इतना सब कुछ इस मैप में हमने सीन किया। ओके,
इंडिया गेट भी हमने देख लिया यहाँ पर, है ना। फिर सेकेंड है, सम रोड इज शोन इन द पार्ट ऑफ द मैप, लुक आर देम इन द फोटो। ओके, तो यहाँ पर फोटो में भी हमने देख लिए, है ना, कि यहाँ पर जो फर्स्ट है वो राष्ट्रपति भवन है, उसके बाद है यहाँ पर विजय चौक है, फिर विजय चौक के बाद है रफी मार्ग है, ये रफी मार्ग है सेकेंड। ओके, देन यहाँ पर जनपद आया रोड हमारा, ओके, और देन इंडिया गेट आया। इस टाइप से हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ओके, तो आप ये सारे रोड्स के नेम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से रोड के नेम है, विजय चौक, दिस इज, है ना, यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको, ये हुआ हमारा विजय चौक, फिर हुआ रफी मार्ग, ओके, उसके बाद है जनपद, और उसके बाद हमको मिलेगा यहाँ पर मानसिंह रोड, ये यहाँ पर जो रोड आया वो आया मानसिंह रोड। ओके, इसके बाद है यहाँ पर कस्तूरबा गांधी मार्ग, है ना, कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये वाला, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग लिखना होगा, ये तिलक मार्ग है, देन डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग है, ओके, और यहाँ पर है वो मानसिंह रोड, ओके, और ये पूरा जो रोड है वो यहाँ पर जो ये पूरा सेंटर वाला रोड है ये हुआ राजपथ। अंडरस्टैंड, सो हम यहाँ पर ये रोड्स के नेम लिख सकते हैं। लुक एट द नेशनल स्टेडियम मैप 1, कैन यू सी इन द फोटो। अब यहाँ पर देखो, ये नेशनल स्टेडियम यहाँ पर हमको दिख रहा है, दिस इज नेशनल स्टेडियम, यहाँ पर हमको पिक्चर में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इस पिक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं हमको नेशनल स्टेडियम दिखाई देगा। ओके, तो इस टाइप से ये हमने मैप के थ्रू ये क्वेश्चंस के आंसर गिवन किए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि हमको किस टाइप से ये मैप देखना है, और फोटो और मैप में किस टाइप से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फोटो से कैसे मैप बनता है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। राष्ट्रपति भवन के प्लेस पे राष्ट्रपति भवन लिखा है, देन जो मार्ग है वो राजपथ है, स्ट्रेट मार्ग, फिर देन यहाँ पर इंडिया गेट बना है, तो यहाँ पर ये इंडिया गेट बना हुआ है, ओके, तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है ना। तो इस टाइप से हम इसको व्यवस्थित प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पेज में ये हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज में हमको क्या देखना है, हेक्सागोनल। अगर हम इसको जूम करें, फर्स्ट जो हमारा था कौन सा, ये वाला सेंटर, ये जो पिक्चर में हमने देखा है यहाँ पर, ये वाला जो हेक्सागोनल है ये, है ना, इसको हमको यहाँ पर जूम करके हमको दिखाया गया है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर जूम किया है। अब इसको आपको प्रॉपरली देखोगे तो आपको बहुत सारे रोड्स दिखाई देंगे, तिलक मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, देन पंदारा रोड, देन शाहजहाँ रोड, मानसिंह रोड, है ना, मानसिंह रोड यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे इंडिया गेट है, ओके, चिल्ड्रंस पार्क यहाँ पर भी बना हुआ है, और देन यहाँ पर लास्ट में नेशनल स्टेडियम है। ओके, तो ये हमने जूम करके देखा है। ओके, अब यहाँ पे लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, हैव यू सीन द शेप बिफोर, हाउ मेनी साइड्स डज हैव। ओके, अब यहाँ पर ये येलो शेप दिखा हुआ है तो इसके हमको साइड्स देखनी है। आपने पहले कभी देखा है इस टाइप का शेप, ओके, याद करिए आप यहाँ पे इसकी कितनी साइड्स हैं। तो अगर हम इसकी साइड्स देखें तो यहाँ पर इसकी साइड है, ये साइड हुई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये वाला कौन सा शेप हो गया हमारा, हेक्सागोनल शेप। ओके, तो इस शेप को हम बोलेंगे, क्या हो जाएगा ये, हाउ मेनी साइड्स हैव, तो इसकी साइड्स कितनी हुई, 6। दिस प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रल हेक्सागोनल, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है, हम लोगों ने लास्ट शायद फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान भी होगा कि जितने साइड होते हैं उस हिसाब से उसका नेम होता है। सपोज अगर यहाँ पर हमने 3 साइड्स लिया है, अगर 3 साइड्स हैं तो उसको बोलेंगे हम ट्राइंगल, ओके, 4 साइड्स हैं तो उसको बोलेंगे हम
क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइड्स हैं तो उसको बोलते हैं हम पेंटागोनल, ओके सिक्स साइड्स हैं तो हम उसको बोलते हैं हेक्सागोनल, एंड सेवन साइड्स हैं अगर तो हम उसको बोलेंगे सेप्टागन, एंड है ना सेप्टागन, और एट साइड्स हैं उसको बोलते हैं हम ऑक्टागन। ओके ऑक्टोपस का नाम सुना है आपने, है ना, तो उसके थ्रू आपको पता चलेगा ऑक्टागन, ऑक्टोपस, ऑक्टागन, है ना, उसके भी एट साइड्स होते हैं, है ना, जीके में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ओके तो इस टाइप से यहाँ पर हमने ये हेक्सागोनल देखा है। ओके देन है फाइंड आउट द मेप, इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क भी, तो यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क दिखाई दे रहा है। ओके इंडिया गेट के साइड है आप, तो चिल्ड्रन पार्क आपको कौन सा साइड दिखाई दे रहा है? अगर आप चिल्ड्रन राजपथ से इंडिया गेट पर आते हैं तो आपको इंडिया गेट के राइट हैंड साइड आपको चिल्ड्रन पार्क मिलेगा, है ना। अगर अब हम यहाँ से देखें मोबाइल में तो हमको ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, बट अगर यहाँ पे राष्ट्रपति इंडिया गेट की साइड से देखेंगे हम यहाँ से, तो ये यहाँ से हमको क्या दिखेगा, यहाँ से हमको ये दिखेगा राइट साइड। ओके देन क्वेश्चन का, विच ऑफ दिस रोड मेक द बिगेस्ट एरिया बिटवीन देम, मानसिंग रोड एंड शाहजहां रोड। ओके तो एंगल कौन सा बन रहा है, बिगेस्ट एंगल मानसिंग रोड एंड शाहजहां रोड में बन रहा है, अशोका रोड एंड मानसिंग रोड में बन रहा है, एंड जनपथ एंड राजपथ पे बन रहा है, तो ये यहाँ पर हमको एंगल देखना है। ओके तो पहला कौन सा है, मानसिंग रोड एंड शाहजहां रोड, तो यहाँ पर शाहजहां रोड देखेंगे हम, कहाँ है ये शाहजहां रोड और ये है मानसिंग रोड। ओके तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर हमको ये एंगल बताया हुआ है। ओके तो ये वाला एंगल है ना, देन कौन सा एंगल है हमको एंगल देखना है, अशोका रोड एंड मानसिंग रोड, अशोका रोड एंड मानसिंग रोड। ओके अशोका रोड कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा अशोका रोड, यहाँ पर ये एंगल भी गिवन है हमको। ओके ये वाला एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एंगल गिवन है, और देन है राजपथ और जनपथ। ओके तो ये राजपथ और ये जनपथ वाला एंगल तो हमको यहाँ पर राइट एंगल दिख रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का होगा, ये जो एंगल दिख रहा है वो इस टाइप से, तो ये कौन सा एंगल हुआ, एक्यूट एंगल हुआ, और ये वाला जो एंगल है वो हमको दिख रहा है इस टाइप से, तो ये वाला एंगल जो हुआ वो हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे बिगेस्ट एंगल कौन सा हुआ हमारा, ये अशोका रोड एंड मानसिंग रोड वाला, कौन सा बिगेस्ट हुआ रोड यहाँ पर, अशोका रोड एंड मानसिंग रोड वाला रोड। ओके तो इस टाइप से हमको एंगल चेक करना है, विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड कट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे कौन सा एंगल हो रहा है जो रोड हो रहा है, तो ये अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये राजपथ और जनपथ वाला जो रोड है वो हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमको आंसर में लिखना होगा कि कौन सा रोड है, वो हो जाएगा हमारा राजपथ एंड जनपथ। ओके तो इस टाइप से राजपथ एंड जनपथ वाला जो रोड है वो इसका थर्ड वाले का आंसर हो गया। ओके अब यहाँ पर हमारे ये दोनों रोड्स हमने चेक कर लिए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा मैप है उस पे जाएंगे हम, जहाँ पर विजय चौक और ये है मैप थ्री पर, है ना, अभी हमने मैप टू किया, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे मैप थ्री पर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।